नवसृजन संस्थान पे आके और हम लोगों ने फीता काटा और इनकी ड्यूटी का इनोग्रेशन किया। मेरा नाम हुआ रामिका शर्मा, जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की नालंदा जिला के सचिव। ये पहले से भी घरेलू हिंसा के 200 केस ऊपर देख चुकी हैं और बहुत लोग से जमीन से जुड़ी हुई है। साथ में हम लोग से भी राय ली कि लोग खुलना चाहिए, इससे होगा कि 10 लोग को रोजगार मिलेगा और 10 घर के मतलब रोजी रोटी चली। और एक संस्थान खोलते हैं उससे आपको 10 लोग को रोजगार मिलेगा, 10 अलग। और ये शुरू से जुड़ी हुई बहुत जमीनी लेवल पे काम कर रही है और इनके मेहनत के लिए हम लोग भी पीछे से प्रोत्साहन देते रहते हैं और इनको आगे और बढ़ना है। और बुटीक खुलने से एक सामूहिक महिलाएं को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, इसलिए बुटीक खोल दिए हैं। और पहले से ये मेरा कार्यालय था और इसी में एक कमरे में बुटीक चलेगा जहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं, और मेरा यहाँ पटना के अलावे कई जिला में है कार्यालय, तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जो गोइठा ठोकती हैं वो इतना सुंदर कला से भरपूर हैं, जिनको निकालने के लिए हम लोग जैसे नाटक भी बहुत अच्छा करती हैं, गीत संगीत से भरपूर ज्ञान रहता है, हम लोग लिखते हैं और लोग लिखना नहीं जानती है और दिमाग से रचती है गीत को और उसको इतना सुंदर से पिरो के गाती है। तो हम उन लोग को संगीत के कार्यक्रम में शादी ब्याह या बच्चा का छठी है उसमें भेजते हैं और आय का स्रोत होता है उनका। हाँ, द्वारा जो है खोला गया है, वसुंधरा पूजा जी शुरू से लगी रही हैं समाज के विकास में और धीरे धीरे इस स्तर पर पहुँची है और जिस तरीके से निरंतर प्रयासरत हैं, आशा है कि बहुत जल्दी भविष्य इनका भविष्य में और भी बहुत आगे बढ़ेगी। हम भी नीतु जी से जुड़े हैं, हमको बहुत अच्छा लगा है और खास करके ये बुटीक खोली है इससे भी हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने बैठे रहने से अच्छा है कि थोड़ा कहीं जा कर के कुछ सीख ले बस। राज को देखकर हम लोग बहुत खुश हैं और भगवान करे कि और आगे बढ़े, अभी बहुत आगे बढ़े। आज तो और गरीबों के लिए एक अच्छा मिसाल बन के आगे आई है। मेरी मम्मी है यहाँ पे आए हैं तो मेरा बच्चा सब जो है बहुत जल्दी जल्दी तरक्की कर रहा है। यहाँ बहुत सारा चीज़ पेंटिंग वगैरह योगा वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है, हम उसी के माध्यम से आए। फिर यहाँ नवसृजन ये संस्था है, यहाँ पर अगर कुछ पैसा कम भी पड़ता है तो मैम लोग बोलती है ठीक है आपका दो बच्चा तो मेरे को फ्री करके मेरे को शिक्षा दे देंगे पढ़ा देंगे, आपको जो भी है हमसे बांट सकती हूँ हम इसमें हेल्प करेंगे।